मार्केट के लिए जा रहे हैं, सादिया की सैंडल लेनी है और इल्सा को भी इयररिंग्स वगैरह दिलाने हैं, तो वो लेकर आते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या ख़रीदा है। और जी हम घर से थोड़ा सा आगे ही आए थे, तो यहाँ पर एक अंकल जी ने शॉप लगा रखी थी इयररिंग्स की, इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी थी इयररिंग्स की, जो मतलब आप देखो तो आपको हर इयररिंग पसंद आएगा, इतनी खूबसूरत खूबसूरत इनके पास इयररिंग थे और इतने रीज़नेबल प्राइस में थे, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर इल्सा के लिए हमने एक इयररिंग तो सिलेक्ट कर लिया था, इल्सा ने एक्चुअली दो पेयर लिए थे। और ये देखिए जी, इल्सा ट्राई नहीं कर रही थी, क्यों? क्योंकि इनका कान हो गया था बंद, ये कानों में पहनती नहीं है कुछ, तो इसलिए इनका कान बंद था। बट बहुत मुश्किल से ट्राई करने के बाद इनके कान में ये इयररिंग गया। और हमने यहाँ से इल्सा के लिए दो पेयर लिए और अपने लिए मैंने एक पेयर लिया, क्योंकि मुझे सेम मैचिंग का इयररिंग मिल गया था, तो बहुत मैं तो बहुत थैंकफुल थी कि चलो यहाँ से हमारी ये वाली शॉपिंग तो डन हुई। और फिर हम और आगे बढ़े अपनी लोकल मार्केट की तरफ, तो अम्मी के घर के लिए हमें लेने थे जी पिलोज़, और उसके साथ जी हमें कुशन भी लेने थे। तो यहाँ पर अलग अलग वैरायटी के और अलग अलग कलर के बहुत खूबसूरत वेलवेट के कुशंस वगैरह मिल रहे थे, जिस पर आपको कवर चढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ से कुशन भी लिए और उसके साथ साथ चार पिलो भी ख़रीदे अम्मी के घर के लिए, जो बहुत ज़रूरी था। और हमने इन्हीं भैया की शॉप पर रख दिया था कि आते में हम यहाँ से उठा कर लेकर जाएंगे। ये मुझे लगा इन्होंने हमें कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली दे दिए थे, बट एनीवेज हमने यहाँ से ख़रीद चुके थे। फिर हम आगे गए फुटवेयर की शॉप पर, तो मुझे अपने सूट की मैचिंग की चप्पल लेनी थी और यूसरा को भी देखना था कोई फ्लैट चप्पल वगैरह, बट यूसरा की पसंद की यहाँ पर मिले नहीं। बट मैंने फाइनली यहाँ से अपनी एक चप्पल ली, इतनी वैरायटी थी इनके पास, और आपको पता ही अगर बहुत ज़्यादा वैरायटी हो तो कितनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। बट मेरी नज़र एक चप्पल पे पड़ी और मुझे वो चप्पल भी इतना पसंद आई और मैंने वो फ़ाइनल करी और जल्दी से हम लेके फिर आगे निकल गए थे अम्मी के कुशन वगैरह लेने के लिए। तो देखो इनके पास ये रहे, प्लेन में भी हैं, ये रहे दूसरा सिंगल बेड की बेडशीट लेनी है, हाँ सिंगल बेड की बेडशीट लेनी है और सोफे की बेडशीट लेनी है, कैसे चलेगा? ग्रीन कलर वाले हैं देखो, ये भी चलेगा इसी के करो। और जी अब हम अपने घर आ गए, हमने शॉपिंग तो ज़्यादा कर ली है माशाल्लाह से, तो इसलिए हमारे हाथों में भी जगह नहीं है, तो जैसी भी वीडियो है वैसी दिखा रहे हैं हम आपको, ताकि हम दिखा सकें कि हम गए थे तो वापस भी आए हैं। हमने लिए थे जी ये बड़े वाले पिलोज अम्मी के लिए, अम्मी को दोनों रूम के लिए चाहिए थे, तो हमने चार सेट लिए था और उसके साथ कुशन कवर्स भी लिए थे, कुशंस भी लिए थे। और यहाँ पर देखिए ये इल्सा के दो इयररिंग्स सेट लिए थे, एक हमने गोल्डन में लिया था और एक सिल्वर में। और ये है जी मेरी सैंडल, जिसकी हील्स बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल थी और चप्पल पहनने में भी बहुत कम्फर्टेबल थी। तो अपनी मार्केट की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पर वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है और रीज़नेबल प्राइस में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। और बच्चों ने आते ही किंडर जॉय पिलोज़ वगैरह इतना फैला दिया था कूड़ा, बट मैंने फिर भी हिम्मत नहीं थी समेटने की, तो इसलिए मैंने सोचा मैं पहले वीडियो बना देती हूँ, फिर उसके बाद जब उठेंगे तो तब समेट लेंगे। और जी हेड्स ऑफ टू द मार्केट शॉपकीपर्स की, यार वो सुबह से अपनी शॉप्स खोले होते हैं और इवन सहरी तक उनकी शॉप्स खुली रहती हैं, कोई अराउंड 3 से 4 बजे के करीब तक, मतलब हेड्स ऑफ है यार उन लोगों को। और ये छोटा मोटा सामान एंड टाइम पे याद होना चाहिए कि आपको लेना है। सादिया का हेयर बैंड लिया था, सादिया के लिए एक पर्स लिया था छोटा सा, और इनर्स लिए थे दोनों बच्चों के, सुहान के लिए बनियान्स वगैरह लिए थे। और जी छोटा मोटा सामान इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि आपको याद नहीं रहता वो लिस्ट में कि आपने क्या क्या लेना है, बट जब आप मार्केट में निकलो ना तो आपको शॉप्स देख कर यह ध्यान आता है, अच्छा मुझे तो ये भी लेना था, मुझे तो वो भी लेना था। तो इतने छोटे छोटे सामान के लिए भी एक दिन पूरा चला जाता है हम लोगों का। और ये मैचिंग इयररिंग्स मुझे मिल गए थे सेम कलर के, तो ये मैंने ले लिए थे। और यूसरा ने लिए थे जी घर के लिए कुछ टॉवल्स। और मैं इस वीडियो को जब मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही थी तो मुझे ध्यान आया कि मैंने कुशन कवर्स तो आपको दिखाए ही नहीं,
एनीवेज चलिए ईद की जब दावत होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कुशन कवर्स वगैरह। हमने कर ली थी कल शॉपिंग जो ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था लास्ट ब्लॉग में, बट हमने क्या क्या खरीदा था वो मैं आपको नहीं दिखा पाई थी, हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो इस वजह से अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या खरीदा है। तो आप ही के सूट से शुरुआत करते हैं। आप ही जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था बहुत ही सिलेक्टेड पर्सन है, तो उनकी कलर और एम्ब्रॉयडरी वगैरह और मतलब सूट का फैब्रिक सब कुछ देख कर लेना पड़ता है। तो ये हमने लॉन के सूट लिए थे और ये कॉटन जूट के दुपट्टे थे, मुझे बहुत यूनिक बहुत अच्छा डिज़ाइन लगा ये तो। और ये इसका पैंट है, मतलब थोड़ा सा डार्क कलर है बट एम्ब्रॉयडरी में मैचिंग था ये बिल्कुल, तो ये बहुत ही खूबसूरत सूट लगा था। तो हमने आप ही के लिए ये वाला सूट परचेज कर लिया था और उसी के साथ साथ इस शॉप से हमने ये सभी सूट लिए थे। इल्सा का जो ये वाला सूट आप देख रहे हैं ना ऊपर, सबसे ऊपर जो रखा हुआ है ब्लू कलर का, ये वाला सूट ये हमने रेडीमेड शॉप से लिया था जहाँ कृष्णा टेक्सटाइल पे हम गए थे, तो हमने ये वहाँ से लिया था। तो और इनके पास बहुत खूबसूरत रेंज आई हुई है रेडीमेड सूट्स की, जिनके साइजेस वगैरह मतलब स्मॉल मीडियम लार्ज में है ना, तो बहुत ही अच्छी वैरायटी आई हुई है। जैसे मेरा तो बड़ा साइज चाहिए होता है तो उसके लिए मेरे लिए कम डिज़ाइन थे इनके पास, बट फिर भी हमें ये वाला सूट बहुत पसंद आया था। इसमें दो कलर थे, एक ग्रे था और एक ये ब्लू कलर था, तो यूसरा ने कहा कि ब्लू कलर ले लो, ब्लू कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ग्रे पे उतना ज़्यादा सूट उठ कर नहीं आ रहा, तो फिर हमने फाइनली ये वाला ब्लू कलर लिया था। प्राइजेस दोनों के ही सूट्स के सेम थे ऑलमोस्ट, और ये कॉटन फैब्रिक में है और पजामा इतना कम्फर्टेबल है इसका, बहुत ही कम्फर्टेबल सूट है ये। जब मैंने इसको ट्राई करा तो मुझे लगा हाँ सही मैंने परचेज़ करा है, थैंक्स टू यूसरा। और उसके बाद आ जाते हैं जी हम यूसरा के सूट पर। तो ये यूसरा का सूट था, ये मुझे बे इंतहा पसंद आया था, इसका कलर कॉम्बिनेशन सब चीज़ें बहुत परफेक्ट थी, मस्टर्ड कलर है ये, और वीडियो में जैसा कलर दिख रहा है ना बिल्कुल एग्जैक्टली वही कलर है। और इसका दुपट्टा इतना प्यारा कंट्रास्ट दे रखा था इन्होंने कि बस जैसे उन्होंने ये सूट खोला ना तो हमने कहा बस ये सूट तो लेना है, चाहे कोई भी ले लेकिन लेना है, अगर यूसरा को पसंद नहीं आता तो मैं ये अपने लिए ले लूँगी, बट यूसरा को ये पसंद आ गया था तो ये सूट हमने यूसरा के लिए लिया था। सेम लॉन का सूट है और कॉटन जूट का दुपट्टा है। और उसके बाद जी अम्मी के लिए भी हमें कुछ कुछ सेम कलर पसंद आया था मस्टर्ड कलर में। अम्मी को ऐसे सूट्स अच्छे लगते हैं और ऐसे कलर्स भी अच्छे लगते हैं जो थोड़े से मतलब डार्क भी ना हो और लाइट भी ना हो, तो ये मस्टर्ड कलर है ब्राउन टच के साथ, बहुत ही खूबसूरत लॉन का सूट है और ये पूरे पैनल पे ये वर्क दे रखा है इन्होंने कटदाने का वर्क, और ये इसका दुपट्टा है। और अम्मी की जो बॉटम थी वो प्रिंटेड थी, बहुत प्यारा इसका प्रिंट लगा था, एकदम जैसे उन्होंने खोला तो मेरे दिमाग में आया ये अम्मी के लिए ही बना है ये सूट। अम्मी आपको कैसा लगा ये सूट? माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत कलर भी, कढ़ाई भी। और ये वाला सूट भी हमने अम्मी के लिए लिया था, वो एक्चुअली यूसरा ने गिफ्ट करा है अम्मी को, और ये वाला सूट मैंने गिफ्ट करा था अम्मी को। तो इस ये है जी ब्लू एंड वाइट है और इस पे भी कटदाना वर्क है, बहुत ही खूबसूरत इसका पैटर्न है, कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ बहुत बढ़िया लगा था। ये भी लॉन के ऊपर सूट है और इसका जो बॉटम है वो ये वाइट कलर का बॉटम है, और नीचे जो आप देख रहे हैं वो है जी इसका दुपट्टा। एक्चुअली इन सूट्स की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इनके दुपट्टे बहुत खूबसूरत होते हैं, तो जब अम्मी ईद पर पहनेंगी या बकरीद पर पहनेंगी ये तो अभी डिसाइडेड नहीं है क्योंकि टेलर शायद ना ले इस टाइम पे, बिल्कुल दो दिन ही रह गए हैं ईद पे ऑलमोस्ट, तो शायद बकरीद के टाइम पे पहनेंगी, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी इसका दुपट्टा वगैरह बहुत खूबसूरत है। तो ये थी हमारी शॉपिंग जो हमने ईद के लिए करी थी। आई होप कि आपको हमारी ये शॉपिंग पसंद आई होगी। ईद की फुटवेयर वगैरह मैं आपको दिखाई दूंगी और जो भी मैं परचेज़ कर रही हूँ वो भी आपको दिखा रही हूँ हैंड टू हैंड। और आपको कैसी लगी ये शॉपिंग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों ने कितनी शॉपिंग कर ली वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जी आज था 25th रोज़ा, मैं 25th रोज़े को ही आ गई थी और दोपहर में ही आ गई थी मैं एक्चुअली जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद, क्योंकि फिर शाम तक बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, और हमारे साइड ना काफ़ी ज़्यादा सुनसान एरिया है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा डर लगता है, इसलिए मैं दोपहर में ही आ गई थी। अम्मी डैडी काफ़ी इंसिस्ट कर रहे थे कि नहीं इफ्तार करके ही जाना, तो काफ़ी लेट हो जाता है, इसलिए मैं जल्दी आ गई थी। और आने के बाद मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई कि मैं कुछ कर सकूँ, मेरे होंठ ऐसा लग रहा था बिल्कुल सील हो गए, इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी बाहर थी, बहुत ज़्यादा गर्मी, डस्ट पोल्यूशन इतना ज़्यादा कि बस रोज़दारों की तो बस अल्लाह ही हिफाजत करने वाला है।
और ये देखिए जी, अभी मैं सादिया की आँख से फ्री हुई थी, उनकी आँख ठीक हुई थी, तो अब इनकी आँख में देखिए ये प्रॉब्लम हो गई है। अब इनकी आई, ये वाली आई जो है ये रेड हो गई है। तो इंशाल्लाह इनको कल डॉक्टर के दिखाऊंगी, देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं कि आँखें क्यों इनकी बच्चों की दोनों की लाल हो रही हैं, और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। ये अभी अपनी दादी के घर से आए तो मैंने देखा इनकी आँख लाल हुई पड़ी है। अभी तो फिलहाल मैंने आई ड्रॉप डाल दिया है, कल मैं डॉक्टर को दिखाती हूँ। और घर समेटने तक की मेरी हिम्मत नहीं हुई, आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हैं। मुझे इनको फोन करके रखना था बट मैंने कुछ नहीं करा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा हाल से बेहाल हो गई थी। आज तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी, शुरू के रोज़े जितने अच्छे गुजरे ना माशाल्लाह से, आखिर के रोज़ों में उतनी ज़्यादा डबल गर्मी हो गई है। चलिए जी, बस कुछ ही रोज़े रह गए, कल 27वीं शब लग जाएगी खैर से। तो दुआओं की आपसे बहुत सारी दरख्वास्त है कि दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और बाय बाय जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।